हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड अवर टुडेज टॉपिक इज सिक्स सेकंड एंड थर्ड बाय फकीर मोहन सेनापति। तो फकीर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फकीर मोहन सेनापति, देन अ लिटल अबाउट द नॉवल सिक्स सेकंड एंड थर्ड, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द ब्रीफली समरी ऑफ द नॉवल। तो फकीर मोहन सेनापति थे, वो इंडियन राइटर थे, पोइट थे, फिलासफर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। और वो उड़िया लैंग्वेज को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी थी। जो उड़िया लैंग्वेज ख़त्म हो रही थी उस टाइम पे, डिक्लाइन हो रही थी, तो उनके जो जो उन्होंने लिटरेचर लिखा तो उससे वो फ्लॉरिश हुई, और उन्हें फादर ऑफ उड़िया नेशनलिज्म एंड मॉडर्न उड़िया लिटरेचर भी कहा जाता है। उड़िया इससे पहले भी उड़िया में लिटरेचर लिखा गया, बट इतना अच्छा नहीं था जितना उन्होंने लिखा हो, और जिसकी वजह से जो उड़िया लैंग्वेज थी वो अगेन दोबारा फ्लॉरिश हुई। तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी बचपन में डेथ हो गई थी, उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें पाला परोसा, और जो उनके अंकल थे उसकी सपोर्ट नहीं मिली उन्होंने, और उन्होंने एज ए चाइल्ड लेबरर की अपनी एजुकेशन एक्सपेंस चुकाने के लिए 4 नॉवल लिखे उन्होंने, 25 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। और उनकी एक स्टोरी रेबती, जो कि रेबती जो है 1898 में, वो उनको फर्स्ट उड़िया शॉर्ट स्टोरी ही कहा जाता है उसे। तो जो स्टोरी थी इसके बारे में, इनोसेंट गर्ल के बारे में जिसकी इच्छा थी पढ़ने की, और कंजर्वेटिव सोसाइटी जो कि उस टाइम पे थी उसके बिल्कुल उल्ट थी, कोई गर्ल्स को पढ़ाई लिखाई के लिए वो मना करते थे। तो जो फकीर मोहन सेनापति है, उनको एक फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी के लिए भी जाना जाता है, उन्होंने लिखी थी उड़िया में आत्मा जीवना चरिता। तो बात करते हैं सिक्स एंड थर्ड की। तो इसे दूसरा उड़िया नेम है जो उसका शाह माना आथा गुंथा भी इसे कहा जाता है। तो इस जो उन्होंने 4 नॉवल लिखे थे वो लिखे थे 1897 और 1915 के अराउंड, और ये सिक्स सेकंड एंड थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, जो कि इस नॉवल जो रिफ्लेक्ट करता है जो सोशो कल्चरल कंडीशन उस टाइम उड़ीसा की, उस टाइम की 18th और 19th सेंचुरीज के दौरान। तो उनके नॉवल थे शाह माना आथा गुंथा, मामो एंड प्राय सचिता। तो वो ये 3 नॉवल थे, वो सोशल रियलिटी को, उस टाइम की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। एंड एक नॉवल था उनका लशामा, तो जो कि एक हिस्टोरिकल रोमांस नॉवल है, जो कि डील करता है मराठा इन्वेशन से, जो कि मराठा का अटैक हुआ था और मराठा का राज हुआ था उस टाइम पे 18th सेंचुरी के दौरान। तो जो एक मायादार मानसिंह जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं सेनापति को एज ए थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा। तो शाह माना आथा गुंथा जो था वो फर्स्ट, जो सिक्स सेकंड एंड थर्ड हमारा नॉवल है, वो फर्स्ट इंडियन नॉवल टू डील विद एक्सप्लाइटेशंस ऑफ लैंड लेस पीस एंड बाय फ्यूडल लॉर्ड। तो ये फर्स्ट नॉवल था जो कि पुअर पीजेंट्स का फ्यूडल लॉर्ड द्वारा उनका एक्सप्लाइटेशन अत्याचार होता था उन पर, उसके बेस था। तो ये नॉवल पहले लिखा गया था बिफोर अपना रशियन रेवोल्यूशन से, जो जिसकी वजह से बाद में इंडिया में मार्क्सिस्ट थॉट एस्टेब्लिश हुए। ये हमारे कुछ करेक्टर्स हैं इस नॉवल के, जो रामचंद्र मंगाराज प्रोटागोनिस्ट है, क्रियूल टाइप का बंदा है, और उसकी वाइफ संतानी जो कि एक उसके परिवार में सिर्फ एक ही जो अच्छी इंसान है, और चंपा है उसकी जो क्लेवर है बहुत, तो उसकी हाउस होल्ड वहाँ पर काम करती है। और बगिया और सरिया से ये हमारी स्टोरी मैच करेगी, सिक्स एंड थर्ड जो उसकी नॉवल का टाइटल है वहाँ पे शुरू होगा उनके साथ। तो ये जो स्टोरी है नॉवल की, ये बेस्ड है एक तो फ्यूडल सिस्टम के बेस्ड पे, जमींदारी प्रथा के बेस्ड पे, एंड सेकंड ये उस सोशल लाइफ दिखाती है उस टाइम की, और कास्टिज्म भी आएगा इसमें, जो कास्टिज्म के उस पर डिफरेंस होता था, डिस्क्रिमिनेशन, और ब्रिटिश जो राज, जो ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन, उन्होंने कैसे सिस्टम को मतलब चलाया, और उसके बाद जैसे ज़मींदारी ब्रिटिश ने शुरू की थी, कि जो कि ज़मींदार है वो लैंड जो प्रॉपर्टी के ऑनर किसान बन सकते हैं, बट उसे हैवी टैक्स देना पड़ेगा। मुगल राज में प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं बन सकते थे, और उन्हें जो कि यूज़ किया जाता था उसमें ही वार्स के दिनों के दौरान, बट ब्रिटिश राज ने उनको प्रॉपर्टी के ऑनर तो बना दिया किसानों को, बट उनसे हैवी टैक्स भी लेना शुरू कर दिया, जो कि ज़मींदार कलेक्ट करता था, एक गांव से एक उस एरिया पर्टिकुलर इशू किया जाता था, जो कलेक्ट इकट्ठा करके वो ब्रिटिश राज को देता था। और बहुत सारी चीज़ें कि राइटर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेचर शो करता है, वो यहाँ पे कुछ तारीफ भी करता है ब्रिटिश राज की, जैसे उन्होंने साइंस वगैरह टेक्नोलॉजी आई, और क्रिटिसिज्म भी करता है कि जैसे पुराना हमारा सिस्टम बढ़िया था,
जो कि लॉ सिस्टम बढ़िया था, गांव में पंचायती मसले सुलझा लिए जाते थे, बट जो लॉ सिस्टम है हमारा करंट वाला वो बहुत ही करप्शन है उसमें, उसमें वाइट को ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक को वाइट, मतलब एक पैसे दो और कुछ भी करा सकते हैं हम। और दूसरा, ये नॉवल में शास्त्रस्त्र भी यूज़ किए गए उसने, जैसे कि हमारी गीता में जो भी कुछ टीचिंग दी गई है तो उनको भी इस नॉवल में राइटर ने नरेट किया है स्टोरी के साथ साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहता है उसकी फैमिली के बारे में, मंगराज के बारे में नरेटर, तो ऑल रिवर्स रन टू सी, शास्त्र से, शास्त्र से वो कहता है, शास्त्र से में जैसे शास्त्र में कहा गया है, ऑल रिवर्स रन टू सी वी आर दे लूज देयर स्वीटनेस एंड बिकम सॉल्टी। तो ऐसा ही कुछ मंगराज की फैमिली में है, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कुछ कोट्स और भी फेवरेट कोट्स आई विल ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो शुरू करते हैं स्टोरीज की। स्टोरी में रामचंद्र मंगाराज है, वो जमींदार है विलेज गोविंदापुर का, तो जिसकी जमींदारी उस फतेहपुर सारसंदरा के आती है एरिए में, फतेहपुर सारसंदा के नाम से भी उसे जाना जाता है। और वहाँ की लैंड है वो 50 60 एकड़ है, 560 एकर्स रेंट फ्री लैंड है, और जो 3367 वो टैक्स टेबल लैंड है, वो जहाँ से वो सारी लैंड उसके अंडर आती है उस गांव की। यहाँ पे एक टेंपल भी है बुच्ची मंगाला का, गॉडेस का, जिस पे लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। और जो रामचंद्र मंगराज की फैमिली है, हम पहले उसके बारे में बात कर ले। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ये स्टोरी लीनियर वे में नहीं चलती, इस नॉवल की, इसमें हर एक चैप्टर में उसका अलग से टाइटल दिया हुआ है, और 27 चैप्टर्स है। और ये स्टोरी मतलब एज ए कभी पास्ट में, प्रेजेंट में, कभी इधर कभी उधर चली जाती है, तो ये क्लीन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर है मतलब एक एंड है इसमें। मॉरल हमें देखने को मिलेगा कि जैसा करना वैसा भरना, और जैसा हम करेंगे और जैसे को तैसा, समथिंग लाइक दिस, हमें मॉरल एक देखने को मिलेगा थीम भी। तो जब मंगाराज की जो फैमिली है उसमें तीन उसके सन है, तीन डॉटर इन लॉ है, और जो सन है वो जुए में शराब में पैसा उजाड़ते रहते हैं, और डॉटर इन लॉ भी वो भी सिंसियर नहीं है, वो गॉसिप करती रहती है इधर उधर गाँव में। और उसकी सिर्फ एक ही फैमिली में उसकी वाइफ संतानी, जो कि जिसका करेक्टर अच्छा है, और उसके घर में एक जो हाउस होल्ड लेडी भी है, एक चंपा, जिसके साथ बहुत अटैचमेंट है उसकी मंगाराज की, और वो तो क्लेवर है। और एक गोविंदा है उसका सर्वेंट, वो भी बहुत क्लेवर है। जो रामचंद्र मंगाराज है उसके पास जो जमींदारी आई है वो भी उसने बहुत चालाकी से ली हुई है, जो उसकी चैप्टर 8 में राइटर बताता है कि जो एक दिलदार म्यान शेख करमत अली था, जिसे अली म्यान कहा जाता था, तो वो एक हॉर्स ट्रेडर था, और मिदनापुरा में उसने हॉर्स दिया मजिस्ट्रेट को, और उस मजिस्ट्रेट ने खुश होकर उसे फतेहपुर सारसंदा यानी कि गोविंदापुरा की वो उसकी जमींदारी दे दी उसके खुश होकर। तो वो उसका जो सन था एक शेख दिलदार म्यान, वो उसने उसको एजुकेट पढ़ाया लिखाया, बट वो एबल नहीं था कि वो जमींदारी संभाल पाए। तो उसकी डेथ के बाद जो था वो ऐश परस्ती से सारा पैसा उजाड़ने लगता है, और उसी चक्कर में ही मंगाराज को मौका मिलता है उसको कर्जा देने का, और पैसा ले लेता है, क्योंकि उसे चाहिए होता पैसा। वो कहता है कि मेरे अपने अपने जो सर्वेंट थे उनको कहता है कि मुझे डेब्ट चाहिए, क्योंकि सारे डेब्ट उसकी मना कर देते हैं देने को, वो कर्जे में डूब चुका है। और वो कहता है कि कर्जा लाओ और मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। इसी फ़ायदा उठा के मंगाराज उसे कर्जा देता है, और उसे धोखे से जो जमींदारी ले लेता है फतेहपुर सारसंदा की। विलेज में बहुत अपने आप को पायस शो करता है वो, जैसे कि एकादशी रखता है, बट चालाक बहुत है। तो ब्राह्मण जो एकादशी आते हैं उनको भी बड़ी चालाकी से वो कहता है कि जैसे कि तुम्हारे पास तो आईज बड़ी है तुम्हारी, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, प्योर ब्राह्मण हो, बट तुम्हारे पेट बहुत स्मॉल है, तुम कुछ ज़्यादा खाओगे नहीं, तो बहुत थोड़े से खाने कोई 27 ब्राह्मण को खाना खिलाता है, थोड़े से खाने से, इतना चालाक है वो। और इसमें हमारा नरेटर कहता भी है रीडर्स को, रिमार्क आयरनिकली रिमार्क्स भी करता है कि डियर रीडर्स यू मे आस्क हाउ वाज इट पॉसिबल टू फीड 27 ब्राह्मण्स विद ए फ्यू राइस फ्लेक्स एंड लिटिल जैगरी। तो बहुत ही क्लेवर है। और वो अपने एक कज़न है उसका श्याम मल्ला, तो श्याम मल्ला को भी उसकी उसको ऑनियन खा लेता है। तो जहाँ पे राइटर एक मन्नूवाद का भी बात कर रहा है,
और जो मन्नूवाद में था कि मन्नू में था उसमें आर्यन खाना पाप पड़ना जाता था हिंदू धर्म में, और जो खाता था उसे धर्म से निकाल देते थे। तो वो ऑनियन खा लेता है और उसका पता चल जाता है मंगराज को। तो मंगराज कहता है कि तुमने ऑनियन खा लिया, अभी तुम्हें क्रिश्चियनिटी में अपनानी पड़ेगी, अपना रिलीजन छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं अपनानी तो इसके लिए हम तुम्हें एक टेम्पल बनवाना पड़ेगा या पाठ पूजा करवानी पड़ेगी, और तुम्हें 15 acres लैंड है वो देनी पड़ेगी। तो उसकी लैंड भी वो ले लेता है। और बहुत ही अपने आप में बहुत सॉफ्ट टॉकर है। और उसके जैसे चैप्टर 4 में हमें देखने को मिलता है कि शाम को चीता का वो अच्छी फसल उगा रहा था, और जब उससे कहता है कि वो जाकर कहता है कि तुम्हारे फादर तो मेरे पास आते थे और तुम नहीं आते शाम, तो वो मंगराज से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बट वो कहता है कि तुम गलत उगा रहे हो, जो उगा रहे हो तो इतना पास पास नहीं उगाते। तो वो उसकी आधी फसल ही वहाँ से जो सीड उगाए होते हैं उसको उखाड़ देता है अपने गोविंदा के जरिए। तो उसको कहता है कि ये सारे तुम उखाड़ दो क्योंकि इतने पास पास से उगाए हुए हैं। अब जो असली जो स्टोरी का टाइटल है वो शुरू होता है हमारा चैप्टर 10 में, जो कि भागिया एक वीवर है और उसकी वाइफ है सरिया। तो उनके पास एक लैंड है 6 acres and 1/3, जो कि उनके पेरेंट्स ने ली थी बाघ सिंह से। बाघ सिंह था एक खंडायत कास्ट के एक आदमी था, और उसके आगे एंसेस्टर थे वो गजापति किंग के नाइट थे, वहाँ उसके सेनापति थे, और उनको गजापति किंग से वो लैंड मिली थी। बट उन्होंने पैसे उजाड़ दिया सारे ऐशप्रस्ती में, और उसकी लैंड चली गई आगे, उसने बेच दी बागिया को जो कि बीवर है। तो बहुत अच्छा इंसान है वो, हेडमैन भी कहा जाता है विलेज का, परमिनी का जैसे कहा जाता है। तो वो सारे विलेज में जैसे कंट्रीब्यूशन से एक मंदिर भी बनवाते हैं, तो वो सारा वो कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूट कौन करता है पैसा इकट्ठा, परमिनी का जो कि बागिया है। अच्छा रेपुटेटेड इंसान है, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, बट उनके कोई बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो जो होता है मंगाराज, वो ज़मीन का बहुत लालची है इंसान, अभी ज़मीन होनी चाहिए मेरे पास। तो उसकी आँख है बागिया की ज़मीन पे, जो फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ लैंड है, तो उस पर आँख है। बट वो बागिया उससे कर्जा नहीं लेता, तो वो कर्जा देना चाहता है और उसे फंसाना चाहता है। तो एक्चुअल में बाद में एंड में प्लान करता है वो चंपा के साथ, जो कि सर्वेंट है उसके, घर में काम करती है मंगराज के। और वो कहती है कि वो सरिया के पास जाती है और सरिया को कहती है कि तुम्हें टेंपल बनवाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे बेबी हो जाएगा, तो तुमने क्या करना अगर सारा कुछ, अगर तुम्हारे बच्चा ही ना हुआ। तो वो कहती है कि इसके लिए तुम कर्जा लो मंगारा से, मैं दिलाऊंगी, और कर्जा बाद में तुम वापस कर देना, और गॉड की जो गॉडेस है उसकी तुम्हारे पे कृपा हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा ज़मीन भी वापस आ जाएगी। तो ऐसे चक्कर करके वो फंसा लेते हैं उसको और कर्जा दे देते हैं। तो यही सब कुछ सुन रही होती है संतानी, जो कि उसकी वाइफ है मंगराज की। वो उसे झिड़कती भी है बट वो उसकी बात नहीं सुनता। तो यहीं से उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं एक तरह के। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उसकी काओ एक जो कि नेता नाम है उसका, नेता NETA, तो उसका नाम है उसका जो कि काओ है बागिया की, सरिया की काओ। सरिया बहुत उससे प्यार करती है काओ को, और चंपा की उस पर आँख होती है। चंपा उस काऊ को लेना चाहती है, वो कहती है मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे काऊ चाहिए। तो इसीलिए ज़मीन है। और जब उसे सब कुछ आगे बढ़ता है तो मंगराज जी से ही उनसे मर्डर हो जाता है सरिया का, और जो था और कोर्ट में चला जाता है, केस चला जाता है दरोगा कोर्ट में, लाया जाता है केस मर्डर का, और जो मंगराज है उसको जेल हो जाती है। और कोर्ट केस कौन लड़ रहा है, मंगराज का लॉयर है जो रामा राम लाला। तो उस पर अभी उसकी आँख है उसकी ज़मींदारी पे, तो वो भी कुछ अच्छे से केस नहीं लड़ता। उधर जो चंपा होती है, और क्योंकि संतानी की भी डेथ हो जाती है यहाँ पे, जो कि वाइफ होती है उसकी मंगराज की, और मंगराज का भी पूरा तरह से डाउनफॉल चल पड़ा है। और चंपा होती है वो भी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में, गोविंदा भी, और इसी चक्कर में जो वेल्थ इधर उधर करने में गोविंदा भी लालची हो जाता है, वो चंपा का मर्डर कर देता है और नदी में फेंक देता है उसकी लाश, जिसको क्रोकोडाइल खा जाता है। और वहाँ पे उसको कर्मा मिलता है, और वो खुद भी नदी में गिरकर जब वो रात को जाता है वो भी मर जाता है, और उसको भी क्रोकोडाइल खा जाता है। दोनों की इस तरीके से डेथ हो जाती है। तो जो ज़मींदारी होती है वो चली जाती है लॉयर रामा राम लाला के पास, कोर्ट उसे दे देता है, और उसकी सारी वेल्थ जो होती प्रॉपर्टी होती है वो अपने अंडर कर लेती है कोर्ट राम मंगराज की। तो मंगराज को जेल में दिखता है उसका संत, उसका बागिया की जो वाइफ है सरिया का, उसको फिर आसमान में चेहरा दिखता है, और वहाँ पे लिखा होता है 6 acres and 1/3। तो इसी चक्कर में वो भी डर कर डिप्रेशन में उसकी भी जेल में ही डेथ हो जाती है। तो इसके साथ ही ये स्टोरी
एक मॉरल एंड देती है, और है जहाँ पे स्टोरी हमारी फिनिश होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।